हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है अपने सभी BGMI यूजर्स के लिए, क्योंकि अगर आपको ये सुपर पॉइंट्स मिशंस इवेंट के बारे में पता नहीं होगा तो फिर दोस्तों आपकी 100 UC, 200 UC या फिर 400 UC ऐसी कट जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या यार ये कट गई है। इसलिए आप ये वीडियो को जरूर अंत तक देखें। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए, और एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और मैं अपने चैनल के मेंबर्स को भी शाउट आउट देना चाहूंगा, थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग। दोस्तों, जब भी आपका रॉयल पास मैक्स हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो 100 मैक्स आ गया है, तो फिर हमें दोस्तों सुपर पॉइंट्स मिशन की ये इवेंट दिखाई देती है। मतलब यहाँ नीचे एक हमें ऐसे ऑप्शन दिखाई देता है सुपर पॉइंट्स मिशन। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां आपको ऐसे ये दिखाई देगा। लेफ्ट साइड में यहां दिया है 1000 पॉइंट्स, ऑलरेडी क्लेम्ड 0 दिखाई दे रहा है, और ये कुछ मिशंस दिए हैं जो कि अपने कंप्लीट होते रहते हैं। मतलब जैसे जैसे हम दोस्तों गेम को खेलते रहेंगे, 60 मिनट स्पेंड करेंगे तो फिर दोस्तों ये कंप्लीट हो जाएगा और एक कलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। 120 मिनट का देख सकते हो कलेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो वैसे टोटल आप देख सकते हो 540 अगर मिनट्स हम खेल लेते हैं तो फिर यह सारे कलेक्ट के ऑप्शन आ जाते हैं। पर बहुत सारे लोगों को इस इवेंट के बारे में पता नहीं होता और वो सीधा कलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ये नहीं पढ़ते ये क्या है, ओके पर क्लिक करते हैं और सीधा उनका 100 UC चला जाता है और उस तो उन्हें 1000 RP पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो सबसे पहले आप एक वीडियो को लाइक कर दे जिससे आप अगली बार गलती ना करें। तो सबसे पहले ये इवेंट क्या है, तो दोस्तों अगर आपकी 100 RP हो गई है और आपको दोस्तों RP पॉइंट्स चाहिए तो फिर आप इस इवेंट से दोस्तों RP पॉइंट्स को परचेस कर सकते हो। तो ये एक पेड इवेंट है, यहाँ देख सकते हो परचेस और यहाँ 100 UC नीचे दिया है। यहाँ कलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर बहुत सारे लोग क्लिक करते हैं और फिर ओके करते हैं, उन्हें लगता है कि यार पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है गाइस। तो ये एक इवेंट है जो कि पेड इवेंट है, 1000 UC से आप टोटल 1000 RP पॉइंट्स ले सकते हो, जो कि आप ये गिन सकते हो, सारे मिलकर 1000 पॉइंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये कलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, पर इसे दोस्तों एक्टिवेट करने के लिए या फिर ये कलेक्ट करने के लिए आपको दोस्तों 100 UC लगानी पड़ेगी। जैसे आप 100 UC लगाओगे तो आपको 1000 RP पॉइंट्स मिलेंगे, और जैसे 1000 RP पॉइंट्स मिल जाते हैं तो फिर ये जो शॉप के सेक्शन में आप देख सकते हो, इसके अंदर आप क्रेट ओपनिंग कर सकते हो या फिर जो भी चीज़ें RP पॉइंट्स से मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हो मिनी मटेरियल से या फिर प्रिसलेंट अपग्रेड कार्ड से या फिर ये देख सकते हो पेंट से, तो ये सारी चीज तो ये आप परचेस कर सकते हो इन पॉइंट से। तो इसका यही यूज है। तो टोटल दोस्तों आप इस इवेंट से 3000 RP पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट बार कलेक्ट करने के लिए आपको 100 UC लगेगी, फिर जैसे आप कलेक्ट कर लोगे तो दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा, फिर दूसरे राउंड में भी आपको 1000 RP पॉइंट्स का कलेक्ट का ऑप्शन आएगा, पर उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, तो फिर वो 200 UC में आपको मिलेगा। फिर जब आप सेकेंड राउंड का कलेक्ट कर लोगे फिर दोस्तों थर्ड राउंड स्टार्ट होगा, तो थर्ड राउंड की प्राइस होने वाली है दोस्तों 400 UC। तो टोटल शायद 700 UC में या फिर 800 UC में आपको 3000 RP पॉइंट्स मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं ये RP एक्टिविटी पैक के अंदर काउंट नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं पहले ही, नहीं तो आप कहोगे कि यार RP एक्टिविटी पैक के अंदर ये रिबेट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये दोस्तों RP एक्टिविटी पैक में रिबेट नहीं होंगे, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन में उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है, तो आप इसे 3 बार ये पैक ले सकते हो। तो गाइस, इस इंफॉर्मेशन के लिए एक वीडियो को लाइक कर दे और सबसे पहले अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और वो ये गलती कर देते हैं और फिर उनका स्कैम हो जाता है। तो गाइस, होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा इस इवेंट के बारे में। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन भी ऑल पर सेट कर दे। तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।